अखिल भारतीय गोंड महासभा का धरना दूसरे दिन भी जारी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। खबर बेलथरा रोड बलिया से। अखिल भारतीय गोंड महासभा की तहसील इकाई द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप गोंड जाति का प्रमाण पत्र बेलथरा रोड तहसीलदार द्वारा नहीं जारी किए जाने के विरोध में शुरू धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। ज्ञात हो कि कल ही शुरू हुए धरने से पूर्व जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने संबंधी एक ज्ञापन SDM बेलथरा रोड दीपशिखा सिंह को दिया गया। अखिल भारतीय गोंड महासभा के तहसील अध्यक्ष सर्वजीत गोंड ने बताया कि आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी ज्ञात प्रमाण पत्र बने और उसके बाद हम अपना धरना समाप्त करेंगे। तो कुछ आश्वासन मिला है यहाँ से? कुछ नहीं, कोई अधिकारी नहीं है। कोई अधिकारी नहीं है? नहीं। तो कब तक आप लोग बैठेंगे? जब तक प्रमाण पत्र बनता नहीं है तब तक हम बैठेंगे। तो जिले में अन्य जगह तो बन रहा है ना? नही, तहसीलों में बन रहा है। तो यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? क्या पता, तहसीलदार साहब कुछ नहीं बताने के तैयार है। आप अपना नाम बताएं। सर्वजीत कुमार। वहीं धरने में किसी सक्षम अधिकारी के नहीं पहुंचने से धरना दे रहे लोगों में काफी आक्रोश दिखा। उन्होंने जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना शुरू हो जाता तब तक धरने पर बैठने की बात कही। आज धरने में प्रमुख रूप से मृदंगी लाल गोंड, वीरेंद्र गोंड, अरुण कुमार, सुदामा प्रसाद, संजीत गोंड, अनिल कुमार गोंड आदि शामिल रहे। धन्यवाद। आप देखते रहें भारत मीडिया। बेलथरा रोड बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।